आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। 1 अगस्त 2023 को एक नया सर्कुलर आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। सर क्या कहता है ये सर्कुलर? देखो, काफी लोगों को ना कंफ्यूजन है। किस केस में कंफ्यूजन है? कंपनी के केस में। कंपनी के केस में काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई अगर वो डायरेक्टर को पेमेंट करते हैं तो उस पर आरसीएम लगेगा या नहीं। अब मुद्दा ये आता है कि कंपनी भाई डायरेक्टर को किस चीज की पेमेंट कर रही है। तो कंपनी अगर डायरेक्टर को पेमेंट करती है तो सबसे पहले करती है डायरेक्टर रेमुनरेशन की। तो आप अगर देखोगे, चाहे कंपनी की टर्नओवर 10 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है, डायरेक्टर रेमुनरेशन हर केस में आता है, ठीक है ना। तो अब मुद्दा ये आता है कि किसी कंपनी ने डायरेक्टर रेमुनरेशन पे करा 2 लाख रुपए, तो क्या उस पर आरसीएम आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि भाई ये वाली जो चीज है ये शेड्यूल 3 में लिखी हुई है। और अगर कंपनी अपने डायरेक्टर को रेमुनरेशन देती है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप के बीच में देती है, तो डायरेक्टर रेमुनरेशन पर कभी भी जीएसटी आता ही नहीं है। अब दूसरा मुद्दा आता है कि आपने देखा होगा कुछ कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, और वो जो कंपनी की, जब वो कंपनी की मीटिंग अटेंड करते हैं तो वो वहां पर एक सिटिंग फीस लेते हैं। वो जब कंपनी की मीटिंग अटेंड करते हैं वो सिटिंग फीस लेते हैं। तो अब सिटिंग फीस पर आरसीएम है या नहीं है? तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। जो सेक्शन 9(3) में आरसीएम लगता है वो डायरेक्टर की सिटिंग फीस पे लगता है। तो अगर आप डायरेक्टर को डायरेक्टर रेमुनरेशन देते हो उस पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर सिटिंग फीस दे रहे हो तो उस केस में डायरेक्टर को टैक्स नहीं देना, कंपनी को आरसीएम में टैक्स देना है। इसके बाद तीसरी चीज है, डायरेक्टर की भाई प्रॉपर्टी है। अब डायरेक्टर ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को किराए पर दे दी कि भाई कंपनी अपना ऑफिस चलाओ, मुझे रेंट देते रहना। अब मुद्दा ये आया कि भाई इस रेंट के ऊपर भी क्या कंपनी आरसीएम देगी? क्योंकि रेंट सपोज करो 12 लाख रुपए आ रहा है, 10 लाख रुपए आ रहा है, तो क्या इस पर डायरेक्टर टैक्स देगा या कंपनी टैक्स देगी? तो इन्होंने क्या करा, इस सर्कुलर में ये क्लैरिफाई करा है कि भाई ये जो रेंट पर प्रीमिसेस ली है कंपनी ने वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं ली। मान लो कपिल जैन डायरेक्टर है तो डायरेक्टर से नहीं ली, कपिल जैन से ली इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो इस पर आरसीएम नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज इन्होंने क्लैरिफाई करी, एग्जाम्पल के साथ करी। लेकिन एक चीज में डिस्कशन इनकम्प्लीट रह गया कि लेट सपोज करो कि कपिल जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कपिल जैन एडवोकेट है, कपिल जैन डॉक्टर है। अब वो कंपनी को अपनी सर्विस दे रहा है, अब वो जो अपनी सर्विस दे रहा है वो अंडर सेक्शन 194J में दे रहा है, टीडीएस उसका 194J में कट रहा है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसका टीडीएस कट रहा है। तो इस वाले केस में क्या कंपनी को आरसीएम आएगा? क्या कंपनी को आरसीएम देना पड़ेगा? नहीं भाई, मेरा अपना मानना यह है कि इस केस में भी कंपनी को आरसीएम नहीं आएगा। जैसे यहां पर रेंट है वैसे यहां पर इसने प्रोफेशनल सर्विस दी। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रोफेशनल सर्विस दी है सिटिंग फीस के पर्पज की है, आप जैसे इस पर आरसीएम लगा रहे हो तो इस पर भी आरसीएम लगाओ प्रोफेशनल सर्विस पे, जबकि मेरा मानना ऐसा नहीं है। और जो इन्होंने सर्कुलर दिया है तो सर्कुलर में भी इस बात को क्लियर नहीं करा। सर्कुलर दो चीजों पर आया। क्या सर्कुलर आया? कि वेदर सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इन इज पर्सनल कैपेसिटी। तो भाई अगर मैं प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूं एज ए डॉक्टर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो भी तो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में है। सच एज यहां पर एग्जाम्पल दिया कि सच एज रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टीज और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट आर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस पर कंफ्यूजन थी तो यहां पर क्लेरिफिकेशन दिया कि भाई ये जो रिवर्स चार्ज की जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 13 जो 28 जून को आई है, तो इन्होंने यहां पर क्लेरिफाई करा कि भाई ये नॉट टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ये जो पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दी जाती है वो आरसीएम में नहीं आती, जो वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में देता है। तो डायरेक्टर की कैपेसिटी में क्या दे रहा है? सिर्फ सिटिंग फीस ले रहा है, तो उस पर आरसीएम है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल, ठीक है ना, अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो तो मेरे हिसाब से उस पर आरसीएम नहीं आएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि क्या उस पर आरसीएम आएगा या नहीं। एक बात और है कि भाई इसके अंदर जो एक क्लैरिफिकेशन हो रही कि भाई आप अगर पिक्चर देखने जा रहे, पिक्चर अगर आप देखने जा रहे मूवी हॉल में, तो वहां पर क्या करते हैं, आप टिकट ले लेते हैं। तो कई बार तो क्या होता है कि भाई 200 रुपए का टिकट लो और आपको एक पॉपकॉर्न इसके साथ फ्री मिल जाएगा। तो भाई जब टिकट के साथ मुझे पॉपकॉर्न मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, ठीक है, तो वो एक मेरी कंपोजिट सप्लाई हो जाती है।
एक मेरी वो कंपोजिट सप्लाई हो जाती है जिसमें कि जो मेन सप्लाई है वो मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, पॉपकॉर्न खाने थोड़ी जा रहा हूँ, पिज्जा खाने थोड़ी जा रहा हूँ। तो मेरी कंपोजिट सप्लाई है तो उस पर जीएसटी रेट वही रेट लगेगा जो मेरी प्रिंसिपल सप्लाई पे होगा, जो मेरी प्रिंसिपल सप्लाई पे होगा मतलब कि जो मेरा पिक्चर हॉल के टिकट पर होगा। तो इसके ऊपर भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि अगर आप फूड एंड बेवरेजेस कुछ लेते हो सिनेमा हॉल में तो वो क्या एक रेस्टोरेंट सर्विस होगी। तो इन्होंने यहां पर क्लैरिफाई करके बोला कि भाई अगर आप इस चीज को समझो, अगर आप कोई बंडल सर्विस लेते हो टिकट के साथ सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेज इकट्ठे लेते हो तो वो कंपोजिट सप्लाई है और इसमें वो जीएसटी रेट लगेगा जो कि आपने पिक्चर देखने का टैक्स दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको यह चीज समझनी है कि अगर आपको कोई क्लाइंट इस तरह का है तो आप उसे गाइड कर सकते हैं। तो ये मेन सर्कुलर आया था और इसी तरह के सारे सर्कुलर, सारी नोटिफिकेशंस की हम नॉलेज देते हैं पूरे कोर्स की हमारे जीएसटी के कोर्स में। ये जो कोर्स है हमारा 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, शाम को 7 से 9 बजे तक है। और इसमें ना अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी पूरे 1 साल तक, ठीक है। जिस दिन से आप एनरोल होते हो उसके 1 साल तक आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पूरा कोर्स कवर है। तो अगर आपने अभी तक इसमें एनरोलमेंट नहीं कराया है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर केजे क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो और वहां से इस कोर्स को परचेज कर लो और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर लो, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।